the first one is which one of the following continents has the highest rate of the humans population the first one is Australia next Africa third Asia Delta North America highest human population rate here for Asia so the answer is Asia next. फ द पॉपुलेशन इज अब द कैरिंग कैपेसिटी बट मस्ट से बुरा ये है कि स्पेसिफिक एरिया है और वहां पे जो हमारे पास रिसोर्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स जो है उनके लिए सूटेबल हैं यानी सिर्फ दस अरादान रह सकते हैं या सौ अफराद रह सकते हैं और अगर तादाद ज्यादा हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो कैरिंग कपैसिटी क्या थी दस की या सौ की उससे ज्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होंगे तो द फर्स्ट वन इज इट मस्ट इमीडिएटली क्योर इट कैन रिमेन स्टेबल इंडफिनेटली इट कैन कॉन्टिन्यू टू इंक्रीज इट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइनली जो है वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा कम है तो हमारे पास कॉम्पिटन बहुत ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन जो है इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होंगे तो इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी सो द आंसर इज इट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन नेक्स्ट वट इज़ अवर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी तो याद रखिएगा सोलर एनर्जी हमारे पास जो है वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है नेक्स्ट बैटरीज स्टोर विच टाइप ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी सो फिजिक्स के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैटरीज के अंदर हमेशा केमिकल एनर्जी होती है सो द नेक्स्ट वन इज वट इज ओजन लेयर यानी नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते जा रहे हैं सो द फर्स्ट वन इज वट इज ओजन लेयर अगर हम ओजॉन लेयर की बात करें तो ओजन बेसिकली ऑक्सीजन का एक एलो होता है जिसे ओ कहते हैं इसकी स्पेसिफिक जो है वो ऑर्डर होती है और एक स्पेसिफिक इसका जो है वो ब्लूइश कलर भी होता है इसके तो हम देखें कि इसकी रेंज क्या है सो so, से किलोमीटर की रेंज के अंदर हमारे पास ओजोन पाई जाती है और इसका काम होता है जो हार्मफुल रेडिएशन होती है उनको फिल्टर करती है उनको प्रोटेक्ट करती है उनको ब्लॉक करती है और उसको जो है वो जमीन पर आने नहीं देती अगर वो हार्मफुल रेडिएशन जो है या यूवीज जो है वो जमीन पे आ जाए तो हमारी स्किन के ऊपर स्किन कैंसर काज कर सकती है हमारे अंदर आईज इन्फेक्शन काज कर सकती है माइक्रो ऑर्गन को किल कर सकती है और बेशुमार प्रॉब्लम इससे हो सकती है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू मीन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज याद रखिएगा ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें एक दफ़ा अगर हम यूज़ कर लें तो उनके डिप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाएं उनके डिक्लाइन होने के चांसेस बढ़ जाएं और उनको हम दोबारा रिसाइकल ना कर पाए उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोसेज़ जिनकी बेस्ट एक्जाम्पल हमारे पास फॉसल फ्यूल्स है अगर आप इनको यूज़ करो तो ये दोबारा यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते और इनकी मकदार भी कम हो रही है और ये रिसाइकल भी नहीं होते सो विच कैन बी यूज़ वंस एंड दे विल बिकम डिक्लाइन एंड दे विल नेवर एवर एंड दे विल नेवर एवर रीसाइकिल उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज द नेक्स्ट वन इज वट इज द डिफ्रेंस बिटवी डिफारेस्टेशन एंड ए फॉरस्ेस्टेशन अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो एक स्पेसिफिक एरिया जहां पे ऑलरेडी फॉरेस्ट थे हमने वहां से फॉरेस्ट जो है वो खत्म करना शुरू कर दिए हमने जो थी वो ट्रीज की जो है वो वहां से कटिंग डाउन करना शुरू कर दिया ताकि एक बहुत वास्ट एरिया हमारे पास आ जाए ताकि वहां पे हम रेजिडेंशियल एरियाज बना सके या वहां पर हम क्रॉपिंग वगैरह कर सकें या कोई और यूज जो है वो उस लैंड का कर सकें और दख्तों को काट के उस लकड़ी को हम फर्नीचर के लिए यूज कर लें या फसल फ्यूज के लिए यूज़ कर लें तो दिस फिनिना फॉर द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक वास्ट एरिया इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन तो तो और ये फॉरेस्टेशन बेसिकली ये है फॉरेस्टेशन करना यानी जंगलात लगाना टू अ स्पेसिफिक एरिया वेयर नो फॉरेस्ट वाज प्रेजेंट प्रीवियसली किसी ऐसी जगह पे फॉरेस्ट लगाना जहां पे पहले से फॉरेस्ट नहीं थे और अगर, अगर ऐसी जगह पे फॉरेस्ट लगा रहे हैं जहां पे फॉरेस्ट नहीं थे वो ए फॉरेस्टेशन है और अगर ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहां पहले से था डिस्टर्ब हो गया दोबारा लगा रहे हैं इट विल बी रीफॉरस्टेशन सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी अगर हम बायोडावर्सिटी की बात करें सो बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म डायवर्सिटी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैराइटीज सो इट्स ऑल अबाउट द वैराइटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनट तो इस प्लान में जितने लिविंग जितनेजम है उनके डिफरेंट वराइटीज के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो बायोडावर्सिटी है जिसमें हमारे पास प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं एनिमल्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो इन सब की वरायटी को हम समराइज करके एक वर्ड के अंदर जो है वो समो देते हैं विच इज बायोडा नेक्स्ट वट इज वाटर पोलूशन सो वाटर के अंदर किसी ऐसी चीज का एड हो जाना जिससे पानी कॉन्टामिनेट हो जाए एंड इट विल बिकम अनफिट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे हम बोलते हैं वाटर अब इंडस्ट्रीज से अच्छा खासा वेस्ट हम डायरेक्ट एमिट कर देते हैं डायरेक्ट डिस्पोज कर देते हैं वाटर के अंदर जिससे हमारे पास वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छा खासा कॉन्टामिनेट हो गए हैं इक्वेटिक लाइफ अच्छी खासी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है सो so वाटर के अंदर किसी टॉक्सिक सबस्ट का एड होना जिससे वाटर विल बिकम अनफिट फॉर यूज उसे हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन नेक्स्ट डिफाइन ग्रीन हाउस एफेक्ट सो ड्यू टू द इंक्रीज इन सी एंड सी एफ सी एस क्लोरो और कार्बनडाइट की कॉन्सेंट्रेशन के ज्यादा होने से देर विल बी द इंक्रीज इन द देंचर ऑफ द वर्ल्ड उस एफेक्ट तो सी ओ टू और सी एफ सी एस क्लोरोबन के भरने से और कार्बन के भरने से जो टेम्परेचर है दुनिया का वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस फिनना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिड जो है वो हमारी जमीन में आता है अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की या फॉसल फ्यूल्स के बर्न होने की सो दे आर रेगुलरली टू एस ओ टू एन ओ टू यानी सोक्सिस एंड कॉक्सिस यानी कार्बन के ऑक्साइड नाइडन के ऑक्साइड और सेल्फर की ऑक्साइड जब ये रेन वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं तो फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्योरिक एसिड नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिस एसिड या कार्बोनिक एसिड अब ये जो वाटर नीचे आएगा ये एसिड रेन होगी जो कि हमारी स्किन को भी डैमेज करेगी माइक्रो ऑर्गनिज्म को भी डैमेज करेगी प्लांट्स को भी डैमेज करेगी और लाइफ को भी डैमेज करेगी द नेक्स्ट वन इज वट इज अलगल ब्लू अब आमतौर तौर पर जो वाटर बॉडीज होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि उनके अंदर फॉस्फेट की बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है सल्फेट की बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है इसमें सबसे बड़ा सोर्स हमारे इंडस्ट्रीज के या डोमेस्टिक के जो डिटर्जेंट्स होते हैं जब वो ऐड होते हैं जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाते हैं तो उनकी वजह से वहां पर अलगी फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देते हैं जब अलगी फंगी वहां पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं एंड स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस तो ये फिनमिना हमारे पास है अलगल ब्लूम अब जब वो अलगी और फंगी वहां पे वहां पे रिप्रोड्यूस करेंगे वो आउटर सरफेस को कवर कर लेंगे तो लाइट पेनिट्रेट नहीं हो सकती ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं हो सकती जिसकी वजह से एक्वेटिक बॉडीज मरना शुरू हो जाती है और जब वही अलगी और वही जब हमारे पास फंगी जो है वो सरफेस पे मरना शुरू हो जाएंगे तो इनके मरने से वहाँ पे डीकंपोजिशन का प्रोसेस भी शुरू होगा और अच्छी खासी स्मेल पैदा होगी देन द वाटर विल बिकम अनफिट फॉर द यूज सो ये हमारे पास था अलगल ब्लूम प्लीज वॉच लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस